Hey, good morning, class. This is Shivam, and today we are doing question number 4 from exercise 5.1. ठीक है, हम बेटा AP कर रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है, arithmetic progression, ठीक है. So हम question number 4 कर रहे हैं, जहाँ पे आपको ये बताना है कि जो आपके पास sequence given है, ये AP की form में है कि नहीं है. अगर है तो common difference निकालना है और इसकी 3 terms और निकालनी है, ठीक है. So AP की term की हम सबसे पहले निकालेंगे, यहाँ पे A है आपके पास 3 और D निकालेंगे common difference formula E2 minus A1 comma A3 माइनस A2 कोमा A4 माइनस A3 पुट करेंगे. पहले बेटा A2 की वैल्यू है A3 A4 एंड A, सो 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 3 कोमा A3 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 माइनस ऑफ 3 प्लस अंडर रूट 2. यहां लिख रहा हूं मैं ये वाला फॉर्मूला A4 3 यहां कॉमन कर लीजिए 3 प्लस 3 अंडर 2 माइनस ऑफ 3 प्लस 2 अंडर 2 माइनस का लिख मतलब 3 पॉजिटिव का माइनस कट जाएगा अंडर 2 बचा पहले तो कोमा लगा लेना बिल्कुल भूलना मतलब भी कोमा नहीं लगाने तो आप गड़बड़ कर देंगे भी क्वेश्चन में. माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 3 और माइनस के अंडर 2 सॉरी यहां लिख लो 3 प्लस 3 अंडर 2 माइनस मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर माइनस 3 माइनस के 202 क्लियर की बात. डी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 3 से 3 चला गया बेटा. यहां पे बेटा देखो आपके पास 2 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 देखो यहां प्लस माइनस माइनस है. अब यहां पे देखिए 2 अंडर रूट 3 है और अंडर रूट 2 है तो यहां पे 2 अंडर रूट 3 माइनस प्लस का है तो माइनस हो गया. यहां क्या गया 1 किया 2 में से 1 किया 1 सॉरी बेसिकली यहां पे अंडर रूट 2 था या अंडर रूट 3 था वेट अ मिनट गड़बड़ कर दी अंडर रूट 2 है यहां पे सॉरी ठीक है लाइक दिस. तो फिर अंडर रूट वाली वैल्यू इक्वल होगी. अगर अंडर रूट वाली वैल्यू इक्वल होगी तब आप उसके आगे जो कोफिशिएंट लगाओगे उसके आगे टर्म जो होगी उनको माइनस करते 2 में से 1 माइनस किया तो कितना बचेगा आपके पास 1 अंडर रूट 2 तो 1 को लिखना जरूरी नहीं होता तो आप क्या लिखेंगे यहां पे सीधा ही यहां पे जो बचेगा आपके पास प्लस के अंडर रूट 2 यहां पे जो बचा प्लस के अंडर रूट 2 सेकंड स्टेप में इससे ये माइनस करके ठीक है प्लस का बचेगा बाय डिफरेंस प्लस का. यहां पे लिख लीजिए बेटा 3 से 3 कट गया और 3 से फिर से 2 गए तो प्लस का बाय टर्म मतलब फिर से क्या होता है अंडर रूट 2 सेम है 3 से 2 गए 1 अंडर रूट 2 बचेगा तो यहां पे अंडर रूट 2 बचेगा. डी कॉमन का मतलब इट इज इन द फॉर्म ऑफ एक राइट डाउन देयरफॉर इट इज इन द फॉर्म ऑफ एप. ये एपी की फॉर्म है ठीक है. अगर ये एपी की फॉर्म में है तो हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाले तो नेक्स्ट टर्म निकालेंगे हम A5 जिसका जनरल फॉर्म होता है A प्लस 4D. तो बेटा A की वैल्यू है 3 प्लस 4 और D आया आपके पास अंडर रूट 2. बेटा 4 का भी अंडर रूट से मल्टीप्लाई नहीं है उसमें बिकॉज 4 एक रैशनल नंबर है ठीक है ये इरेशनल नंबर है ठीक है मतलब 4 के साथ अंडर रूट नहीं है अंडर रूट वाला नंबर से मल्टीप्लाई होता है. यहाँ पे इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा 4 बाय 4 और 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा ठीक है. So, A5 टर्म आ गया आपके पास ठीक है. अब निकालेंगे A6 जिसका जनरल फॉर्मूला है बेटा A प्लस 5 सॉरी लाइट जा चुकी है नो प्रॉब्लम दिखाई दे रहा होगा आपको. A है आपके पास 3 प्लस 5 इंटू अंडर रूट 2 दिस विल बिकम A6 3 5 इंटू 2 अंडर रूट 2. नेक्स्ट टर्म A7 A प्लस 6 3 इज योर जनरल फॉर्मूला A इज योर 3 प्लस 6 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई कर दो एंड A7 इज 3 प्लस 6 अंडर रूट 2 आंसर. एपीपी थ्योरम ने 3 टर्म में और निकाल भी ठीक है. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 6. आई थिंक आप क्वेश्चन समझ आ रहे हैं बिल्कुल भी टफ नहीं है. अगर आपने स्टार्टिंग से वीडियो देखा होगा इंट्रोडक्शन का वहां से कर रहे होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई क्वेश्चन में ठीक है. कॉन्सेप्ट को जोड़ के पढ़ना है. सिक्स क्वेश्चन है आपके पास गिवन दैट जीरो पॉइंट टू कोमा 0.22 कोमा 0.222 कोमा 0.2222 ठीक हो गया बात 0.222 ठीक है. सो फिर से हियर हमें ये शो करने के पी फॉर्म में लिखता हूं उसके लिए हमें इसका फर्स्ट टर्म लिखनी पड़ेगी कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा बेटा. सो कॉमन डिफरेंस वही A2 माइनस A1 कोमा A3 माइनस A2 कोमा A4 माइनस A3
0.22 माइनस 0.2। अब कई बच्चे यहाँ पे माइनस में गलती करते हैं, क्योंकि डेसिमल जब भी आता है आपको माइनस हमेशा गलत करते हैं, सभी नहीं पूछे बच्चे। माइनस यहां पे लिख रहा हूं मैं आगे के टर्म में, आगे टर्म में आपकी 0.22, ठीक है। थोड़ा देखो यहां पे जब माइनस करेंगे आप, तो सबसे पहले माइनस करते वक्त आपने क्या लिखना है, माइनस करते वक्त 0.22 है और 0.2 है, यहां पे 0.22 है, यहां पे 0.22 है, ठीक है। सो आपने बेसिकली इसका आंसर 0.22 से माइनस कर लेना बेटा आपने 0.2 को, यहां पे कुछ नहीं, यहां पे चलेगा 2 से 0 गए 2 और 2 से 2 गए 0, कितना आ गया बेटा 0.02, ठीक है। फर्स्ट वाले टर्म को सोल्व करके तो आ गया आपका 0.02, ठीक है। नेक्स्ट वाले को सोल्व करेंगे सेम इसी तरह से, जिसके पास राइट हैंड साइड में ज्यादा नंबर है उसको ऊपर लिख लो वही टर्म में, ठीक है, और जिसके पास कम नंबर है उसको नीचे, फिर से 2 और यहां पे 0 0, लाइक दिस, वेट अ मिनट, 2 2 था ना, ठीक है। तो दिस विल बिकम 0.002, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इक्वल नहीं आ रही, सॉरी बेटा। देखो जरा ध्यान से देखेंगे हम, तो यहां पे देखिए वैल्यूज क्या आ रही है, यहां पहले आ रही है 0.02, फिर आ रही है 0.002, फिर आ रही है 0002, तो तीनों ही वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, तीनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। सो हम क्या बोलेंगे यहां पे, देयरफॉर इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एपी, इन द फॉर्म ऑफ एपी क्यों नहीं है बेटा, एज कॉमन डिफरेंस, सीधी फॉर्म में कॉमन डिफरेंस इज नॉट द सेम, बिकॉज कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी की फॉर्म में नहीं है, अगर एपी की फॉर्म में नहीं है तो क्या नेक्स्ट टर्म में भी निकालना इज असंभव, मतलब ठीक है संभव नहीं है। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 7 इज गिवन दैट -4, -8 और -1, हेयर लाइट को भी मालूम है क्या हो गया आज, डी इज -A1, -A2, -A4, -A3। वैल्यूज पुट करिए बेटा, A2 है -4, -0, सीधे इधर लिखो नो प्रॉब्लम, -8, -4, -12, -8, ठीक हो बात। डी देखो बेटा 4 में से 0 माइनस के तो माइनस के 4 ही बचेगा, तो पढ़े टर्म 4 पड़ी है जो, ठीक है। सो -8, -4, -12, -8, सो डी इज इक्वल टू -4, यहां पे माइनस के तो माइनस के 4 बचेंगे, यहां पे माइनस के तो माइनस के 4 बचेंगे, तो अलग बड़ी टर्म में तो माइनस माइनस के, हम बोलेंगे देयरफॉर डी इक्वल आया, तीनों टर्म इक्वल आया, इट इज इतना तीनों टर्म इक्वल आया इन द फॉर्म ऑफ एपी, ये एपी की फॉर्म में है, देयरफॉर ए फिफ्थ टर्म निकालेंगे हम, तो उसको जनरल फॉर्म का a+4d, सो a है आपके पास 0+4 और ये d, सो आपका बेसिकली a फिफ्थ टर्म आ जाएगी, 0 को प्लस करने को कोई फायदा नहीं है, 4 4 16, तो -16 आ जाएगी, क्लियर हो गया बात। नेक्स्ट टर्म निकालेंगे बेटा इसकी, इसकी नेक्स्ट टर्म निकलेगी a6, जिसका फॉर्म होता है a+5d, तो a6 a है आपके पास 0+5 और d है -4, सो a6 इज 0 0 में जुड़ गया, 5 4 20, तो -20 आ जाएगा, ठीक है। a7 का जनरल फॉर्म होगा a+6d एंड a7 a है आपके पास 0+6 और d है आपके पास -4, तो 0 की जरूरत नहीं है, तो याद है आपका -24, 6 4 24, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट नंबर 8, राइट डाउन गिवन दैट -1/2
देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस पहले से हमें सेम दिख रहा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेयर जीरो है कॉमन डिफरेंस, चेक कर लो, चाहे आप निकालना तो पड़ेगा आपको, ए टू माइनस ए वन कोमा ए थ्री माइनस ए टू कोमा ए फोर माइनस ए थ्री। चलिए बेटा निकालिए, ए टू है माइनस वन बाय टू और माइनस के माइनस वन बाय टू, ठीक है, फिर ए थ्री फिर से माइनस वन बाय टू माइनस के माइनस वन बाय टू, फिर से बेटा माइनस के वन बाय टू माइनस के माइनस वन बाय टू। सो सोल्व करने ट्राई करो बेटा, सोल्व कर लेंगे इसको। बेटा इससे जो माइनस वन बाय टू माइनस माइनस जाएगा बेटा प्लस वन बाय टू, तो सारी टर्म में इस तरह लिख दीजिए, इस तरह जाएंगे सारे के सारे टर्म में, सेम टर्म में है आपको मालूम है। एलसीएम ले लीजिए बेटा, टू एलसीएम आ जाएगा, ऊपर बचेगा माइनस वन प्लस टू एलसीएम माइनस वन प्लस टू एलसीएम। बेटा जीरो बाय टू आएगा, यहां भी जीरो बाय टू आएगा, वन से वन माइनस किए तो जीरो बाय टू, ठीक है। तो डी आपका जीरो जीरो और जीरो आ गया, तो डी आपका तीनों इक्वल आ गया, आपको बोलेंगे इट इज इन द फॉर्म ऑफ एपी, एपी के फॉर्म में है, देखो नेक्स्ट टर्म निकालेंगे बेटा, ए फिफ्थ टर्म निकालेंगे, ए प्लस फोर डी, ठीक है। सो ए प्लस फोर डी मीन्स माइनस वन बाय टू प्लस फोर और डी है आपके पास जीरो। बेटा सीधी सी बात है, ए फिफ्थ टर्म में माइनस वन बाय टू ही आएगी, क्योंकि एपी आपकी सेम जा रही है बेटा इस तरह, तो माइनस वन बाय टू ही आएगी, ठीक है। तो ए सिक्स लिख लीजिए जल्दी से, माइनस वन बाय टू ही आएगी, और ए सेवन भी माइनस वन बाय टू ही है, यस, ठीक है बात। चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, नाइन्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर। Write down given that one comma three comma nine comma 27. So here A is equal to 1, D is equal to, write down the formula, and find the value. So A2 is 3, A1 is gone, A3 is 9, and this is 3 and 27 minus 9. So this is 2, this is 6, and this is 18. The equal nahi aa rahi hai, therefore is not in the form of AP. Ye AP ki form mein nahi hai. As kyunki the common difference is not the same. सेम नहीं है, तो एपी की फॉर्म में भी नहीं है, तो योग्य आपका क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। बाकी बार हम कल डिस्कस करेंगे, आपकी 5.1 कल फिनिश हो जाएगी, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।